In this tutorial, we will learn how we make a registration form and login mechanism. अभी जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में यूजर टेबल, हमारे जो मेन टेबल है उसके ऊपर बात की थी, उसमें फंक्शंस वगैरह बताए थे. अगर आपको नहीं समझ आई तो आप या मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उस वीडियो को रेफर करें, यूज करें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो की तरफ आए. यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ. ये मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन की जावा फाइल है, ठीक है. इसमें जो है इसी से रिलेटेड जो है वो एक इसकी एग्जाम्पल फाइल है. पहले एग्जाम्पल फाइल को जल्दी से देख लेते. इसमें जो है वो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, टेक्स्ट व्यू लगाया और टेबल. पहले मेरी लीनियर लेआउट है, उसके अंदर मैंने उसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल रखी हुई है. फिर मैं टेक्स्ट व्यू ऐड किया हेडिंग के तौर पर यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए. फिर इसके अंदर जो मैंने टेबल लेआउट इस्तेमाल किया है. टेबल लेआउट इस्तेमाल इसलिए क्यों किया, क्योंकि मेरा डाटा ज्यादा था और कॉलम ज्यादा थे मेरे, तो मैंने उनको जो है वो ऑर्गेनाइज करना था. सिंपल लीनियर लेआउट में जो है वो 10 to 12 रोज जो है वो आती हैं, तो इस वजह से जो है मैंने इसको जो है वो किया, इसके अंदर यूज किया है, टेबल लेआउट यूज किया, ठीक है. टेबल लेआउट में मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स में जो है वो अपना डाटा एडजस्ट किया है. एक रो के अंदर 2 कॉलम्स बना के उसमें डाटा एडजस्ट किया अपना, ठीक है. ये देखें, ये टेबल लेआउट है. टेबल लेआउट के अंदर टेबल रो है, टेबल रो के मैंने फिल पेरेंट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैंने टेबल रो बनाई है, ठीक है. टेबल रो जो है एक और टेबल रो बनाई है. इस टेबल रो के अंदर जो है वो एडिट टेक्स्ट ऐड किए 2, ठीक है. इसी तरह से ये जो है डिफरेंट एडिट टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं. ये देखें, ये मेरी लेआउट है, ठीक है. पहली जो टेक्स्ट भी है उसमें हेडिंग दी हुई है, फिर ये टेबल रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स ऐड किए हुए हैं. ये जो आपको मेल और सिंगल नजर आ रहे हैं, ये जो हमारे स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स को जो है वो वैल्यू जो है आपने मैंने अरे से दी है. लास्ट में मैंने अरे भी यूज की थी. ये देखें, स्पिनर है. स्पिनर में जो एंट्रीज है वो अरे से आ रही है. अरे कौन सी? जेंडर में से, ठीक है. ये जेंडर का स्पिनर है. इसी तरह से ये जो है एक और स्पिनर मैंने इस्तेमाल किया है. ये हर रो के अंदर जो है वो 2-2 कॉलम्स मैंने यूज किए हुए हैं. ठीक है. अब जो है मैंने इनको बैकएंड पे इस्तेमाल करना है. इससे जो है जावा फाइल में, तो जावा फाइल में सबसे पहले मैंने जो है वो एडिट टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसी से रिलेटेड जो है, ठीक है, नाम ऑलमोस्ट सेम रखा ताकि पता चले कि ये किस मकसद के लिए है, ठीक है. आर मीन रजिस्ट्रेशन पेज है, उसके लिए लिहाज से बनाया. आप कोई भी नाम रख सकते हैं. मैंने नेम 1 FN फादर नेम एज वगैरह, ये मेरे टेक्स्ट आर्टिकल्स ज्यादा थे तो इसलिए मैंने उनको 3 दफा जो है वो अलग अलग डिवाइड 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है. उसके बाद मैंने बटन बनाए हैं, बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. देन जो है वो मैंने स्पिनर्स, एक जेंडर का और एक मैरिटल स्टेटस के स्पिनर बनाए हैं, ठीक है. और फिर ये जहां पे मैं यूजर टेबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्लास को जो माई टेबल उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये मेरा टेबल है, ठीक है. अच्छा जी, जब आप इस ऑनक्रिएट मेथड में आते हैं, ऑनक्रिएट मेथड में सुपर के फंक्शन को छोड़ दें और सेट कंटेंट व्यू को छोड़ दें. ये हमारे जो है ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने नहीं चेंज करना, ठीक है. उसके बाद जो है वो सबसे पहले टेबल को इनिशियलाइज किया, ठीक है. उसके बाद जो है वो एडिट टेक्स्ट जो है उनको जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने बैकएंड वाले जो है वेजेस है उनके साथ जोड़ा है आपने, ठीक है. यहाँ पे ये जो आपके
बैकएंड पे एडिट टेक्स्ट वगैरह हैं इनको जोड़ दिया आपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनके साथ जोड़ा इनको, ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट को जोड़ा। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पर स्पिनर को स्पिनर के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा है। ये जो है ये बैकएंड का है, और ये जो है ये सॉरी ये फ्रंट एंड से आ रहा है एग्जामिन फाइल से, उसका कंट्रोल है या वेज है उसको मैंने एसपी जेंडर जो है ऑब्जेक्ट उसके साथ जोड़ दिया। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस का जो स्पिनर है उसको मैंने जो है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। देन ये जो है बटन है, सेव का बटन है, कैंसिल का बटन है या बैक का बटन है, इन सारों को मैंने जो है वो क्रिएट किया और उसको जोड़ दिया मैंने ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स के जरिए ही हम लोग काम करेंगे उस बटन पर, उस वेज पर, ठीक है। अब ये देखें, ये बटन का सेव बटन का क्लिक इवेंट है, बटन सेव का ये सेटन क्लिक लिस्नर जनरेट किया, उसके अंदर क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। इसमें मैंने स्टेटस फिलहाल ओके रखा है, ठीक है। अगर स्टेटस ब्लॉक हो तो वो यूजर जो है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब ये जो है ये एडिट टेक्स्ट लगा के हर एडिट टेक्स्ट से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, तो वैल्यू लेने के लिए एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नेम में डाल दिया, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एडिट टेक्स्ट टू को फादर नेम में डाल दिया, एज जेंडर सारा कुछ जो है वो मेरा बेसिक एज जो है वो इंटीजर में है, लेकिन यहां पर जब हम लेंगे एडिट टेक्स्ट से लेंगे वो एज ए स्ट्रिंग ही हम लेंगे, ठीक है। तो उसको लेके हमने जो है वो कर दिया, लेकिन याद रखें कि ये एज है, मोबाइल नंबर है, ये इंटीजर में है डेटाबेस के अंदर, तो अगर आप यहां पर स्ट्रिंग देने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सैलरी और सेक्ट वगैरह, कॉस्ट, डिजायर एजुकेशन, जेंडर वगैरह, ये सारी वैल्यूज एडिट टेक्स से लेके मैंने इसमें डाली। इसमें देखें कि स्पिनर जो है, स्पिनर हमने इस्तेमाल किए थे, स्पिनर से कैसे वैल्यू लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखते हैं। उस स्पिनर मैंने कहा भी जेंडर ये स्पिनर, ठीक है। ये देखें, ये हमारा जेंडर स्टेट वो जो है ये एक जेंडर का स्पिनर है और एक मैरिटल स्टेटस का स्पिनर है। एडिट टेक्स्ट से जब वैल्यू लेनी हो, टेक्स्ट बॉक्स से जब टेक्स्ट से जब टेक्स्ट व्यू से जब वैल्यू लेनी हो तो तब आप डॉट गेट टेक्स्ट की गेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जब आपने वैल्यू लेनी होती है और जब वैल्यू देनी होती है तो सेट टेक्स्ट का जो है वो फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन जब स्पिनर से आपने वैल्यू लेनी हो तो तब आप गेट सिलेक्टेड आइटम्स का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शन ये होता है कि जो आपने वैल्यू सिलेक्ट की होगी उसको ये रिटर्न करता है और उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस का जो स्पिनर है उसमें से जो वैल्यू आएगी और जो यूजर सिलेक्ट करेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम मैरिटल स्टेटस स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल देंगे। देन जो है यहाँ पर एक मैंने बूलियन वेरिएबल बनाया, ठीक है, और माई टेबल इंसर्ट डाटा, ये फंक्शन है जिसमें हम डाटा इंसर्ट करें, उसको मैंने सिर्फ वैल्यू पास की है। ये फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन माई टेबल की क्लास में लिखा हुआ, जो मैंने यूजर टेबल की क्लास में सॉरी लिखा हुआ, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियोज में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी वो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। देन जो है ये माई टेबल में, अब ये बूलियन, ये मुझे इंसर्ट डाटा जो है ये मुझे ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा, यानी बूलियन में। तो अगर ये ट्रू होगा तो हम बता देंगे कि डाटा इज इंसर्टेड, ये जो है वो टोस्ट मेक टेक्स ये आउटपुट शो करवाने का, आउटपुट मैसेज देने का एक तरीका है, ठीक है। उससे मैंने मैसेज दे दिया कि भाई डाटा इज इंसर्टेड, अगर नहीं हुआ तो डाटा इज नॉट इंसर्टेड, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कैंसिल का बटन है, जब कैंसिल के बटन पर क्लिक किया जाएगा तो तमाम पेज वो जो है ना उसका डाटा एडिट टेक्स्ट के डाटा को मैं अब खाली कर रहा हूँ। खाली करने के लिए मैंने उसको वैल्यू देनी खाली, तो एडिट टेक्स्ट डॉट सेट, यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ।
नल के साथ, ठीक है, इसको भी सेट करूं। जो स्पिनर्स लगाए हैं उनको नहीं मैंने खाली करना, लेकिन ये जो एडिटेक्स वगैरह है इनको जो है वो मैंने खाली करना है। तो मैंने इस तरह से ये एडिटेक्स जो है उनको खाली कर दिया, ठीक है, खाली कर दिया। उसके बाद जो है ये मेरा बैक का फंक्शन है, बैक का फंक्शन बटन है, जब बैक के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन मेन एक्टिविटी में चला जाएगा, जो जहां पे हमारा लॉगिन पेज है उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मकसद के लिए इंटेंट की क्लास इस्तेमाल की जाती है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट है, कोई भी बना ले ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, इस पेज का कॉन्टेक्स्ट क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन पेज है ये, इसका कॉन्टेक्स्ट है, और मेन एक्टिविटी जहां पे आपने जाना है उसको बता दिया, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी की, तो ये उस जगह पे चला जाएगा जी। अब नेक्स्ट जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी यानी लॉगिन पेज के ऊपर। जी मेन पेज के मेन एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, इसके इसका पहले फ्रंट एंड देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये हमारी वेलकम एक्टिविटी है, ये वेलकम का टेक्स्ट भी लगाया हुआ है, और ये एडिट टेक्स्ट लगाए हुए हैं दो, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड का, लॉगिन का बटन लगाया हुआ है जिसका बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है, ठीक है, और एक रजिस्ट्रेशन का बटन लगाया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले, सबसे पहले दो एडिट टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके बाद बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाए, बटन लॉगिन और बटन साइन अप, देन मैंने यूजर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, ठीक है, और ये सेशन जो है की क्लास भी बनाई है, उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया। सेशन की क्लास देख लेते हैं, ये देखें जनाब, ये सेशन की क्लास मैंने बनाई है। सेशन की क्लास का मकसद ये है कि जब आप एक एक्टिविटी से डाटा दूसरी एक्टिविटी में भेज रहे हो तो वो जो है वो एक्टिविटी उसको याद रखे कि आपने डाटा को भेजा, कौन सा डाटा आपने भेजा। इस मकसद के लिए मैंने यूजर नेम यानी कि यूजर आईडी जो है वो पास करना है, ठीक है। तो मैंने क्लास जो है वो सेशन है, इसका जो प्राइवेट मेंबर है वो है प्रेफरेंस, ठीक है, और ये शेयर प्रेफरेंस की क्लास है। दरअसल ये शेयर प्रेफरेंस की क्लास हमें फैसिलिटेट करती है कि आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसे जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एक्टिविटीज में डाटा जो है वो शेयर करना हो तो फिर हम शेयर प्रेफरेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद ये सेशन है, सेशन में हमने बताना है कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि कौन सा पेज है जिस पे आपने करना है, ठीक है, और उसको आपने शेयर प्रेफरेंस में से पास कर देना है और वो प्रेफरेंस को दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा सेट यूजर का फंक्शन है, मेथड है, ठीक है। सेट यूजर का जो मेथड है इसमें जो है वो यूजर नेम आपने एक वेरिएबल बनाया, और जब आपने डाटा इंसर्ट करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे आपने वो स्ट्रिंग बतानी है जो आप पास करें, ठीक है। ये यूजर नेम है, ये आप कह लें की है, और ये उसकी वैल्यू जो हम पास करेंगे, जो यूजर पास करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये की है, ये उसकी वैल्यू हम पास करेंगे, जब भी हम पास करेंगे तो हम वैल्यू पास करेंगे। ये हमने वैल्यू सेट करवा दी, और उसके बाद जो है वो हमने गेट करवा दी, वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग वैल्यू उसकी ले रहे हैं, ये हम यहाँ पे वैल्यू को सेट कर रहे हैं सेट यूजर नेम के जरिए, ठीक है, और गेट यूजर नेम जो है उसके जरिए हम वैल्यू को पहले स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में, और उससे हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये हमारा काम हो गया सेशन का, इसको हमने यहां पर यूज किया हुआ है मेन एक्टिविटी में। अच्छा जी, अब आगे आते हैं ऑन क्लिक लिस्टनर पे आए। ऑन क्लिक लिस्टनर में सबसे पहले सेशन को जो है वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, यहाँ पर जो है मैंने ऑन क्रिएट लिस्टनर में मैंने उसे जो है
कॉन्टेक्स्ट बताया कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपने काम करना है, ठीक है। फिर मैंने एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को एसोसिएट किया एडिट टेक्स्ट के वेज के साथ, फिर मैंने एडिट टेक्स्ट के पासवर्ड वाले ऑब्जेक्ट को एसोसिएट किया एडिट टेक्स्ट वेज के साथ, ठीक है। और फिर बटन को एसोसिएट किया दोनों बटनों को, फिर मैंने डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाया। देन मैंने दो मेथड यूज किए हैं यहाँ पे कॉलिंग करो मैं लॉगिन और साइनअप मेथड को। इन लोगों को नीचे जाके देख लेते हैं कि ये मेथड क्या काम करें। यहाँ पे कॉल हो रहे हैं डिफाइन नीचे हुए हैं, ठीक है। ये लॉगिन का हुआ, उससे पहले साइनअप वाला देख लेते हैं। ये साइनअप वाला आसान है, साइनअप वाले बटन पर जब क्लिक किया, इस मेथड के अंदर मैंने साइनअप का बटन क्लिक इवेंट बनाया। क्लिक साइनअप के क्लिक इवेंट में मैंने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने कहा कि आपने यूजर रजिस्ट्रेशन पेज की तरफ जाना है, ठीक है। इस पेज में जब आप साइनअप पर यूजर क्लिक करेगा तो वो साइनअप पेज की तरफ नेविगेट हो जाएगा, चला जाएगा। जबकि ये लॉगिन का मेथड है, ये मैंने ऊपर कॉल किया और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने बताना था क्या काम करना है। उसके बटन लॉगिन के बटन के क्लिक इवेंट पे मैंने ट्राई कैच लगाया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। देन मैंने आईडी और पासवर्ड लिए हैं, पहले यूजर से लिए हैं, फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर आईडी एडमिन है तो वो जो है वो एडमिन पैनल पे चला जाएगा, और अगर वो जो है एडमिन का डाटा हम डेटाबेस में नहीं सेव करवा रहे, ठीक है। अगर कोई और है तो हम पहले सेशन लेंगे, उसका यूजर नेम जो भी है, ठीक है, उसको जो है वो फिर हम आगे वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। डीबी डॉट चेक यूजर एग्जिस्ट, ये जो है ये डेटाबेस का मेरा एक फंक्शन है जो मैंने यूजर टेबल के अंदर बनाया था। ये यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा कि यही वाला यूजर सही लॉगिन हुआ है। अगर लॉगिन हुआ है तो ये ट्रू फॉल्स में जवाब देता है, ठीक है। तो ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो सेशन है जो हमने अभी बनाया सेशन, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। और ये जो है ये उस वैल्यू आ जाएगी उस सेशन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में नेविगेट हो जाएंगे। जब हम नेक्स्ट पेज में नेविगेट होंगे यानी जाएंगे, तो साथ ही हम सेशन की वैल्यू भी लेके जाएंगे, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में जब जाएंगे तो यूजर का नाम भी जाएगा साथ, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ये आईडी और पासवर्ड नहीं मिला उसी टेबल में से, इसका मतलब है डेटाबेस में वो जो आईडी पासवर्ड है वो इसने यूजर ने गलत एंटर किया, तो तब हम उसे बता देंगे यूजर आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, ट्राई अगेन, ठीक है। तो बाकी कोड जो है वो एक्स्ट्रा था, वो मैंने कमेंट कर दिया। और ये क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी अगर कोई रन टाइम एनवायरनमेंट में एक्सेप्शन आ जाती है तो तब हम उसे एरर जनरेट कर देंगे और एरर का मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा साइनअप का लॉगिन का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम एडमिन पैनल की तरफ। ये जो है ये हमारा मेन एडमिन पैनल है, इसमें जो है वो बटन लगे हुए हैं, व्यू यूजर, ऐड यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, ब्लॉक यूजर, अनब्लॉक यूजर और लॉगआउट, ठीक है। ये दरअसल लॉगआउट का बटन है और ये सारे बटन जो है वो दरअसल एक ही पेज को रेफर कर रहे हैं, वो है एडमिन यूजर मैनेजमेंट के पेज पे, ठीक है। लेकिन ये जो लॉगआउट का सिर्फ ये नए पेज की तरफ जा रहा है, तो इनको हम देख लेते हैं बैकएंड पे जाके। पहले बटन लगाने का मकसद ये है कि अगर यूजर व्यू करना चाहता है तब भी वो उस पेज पे जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी हम करते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल की बैक साइड पे जाते हैं, ये देखें ये बटन्स बनाए हैं। सबसे पहले बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फिर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है, माई टेबल जो है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं, माय टेबल को इनिशियलाइज करवाया, फिर मैंने बटन्स को एसोसिएट करवाया, ठीक है।
फिर ये बटन को एसोसिएट करवाने के बाद ये मेरा व्यू यूजर का बटन है, ठीक है। व्यू यूजर के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो है माय टेबल से गेट ऑल डाटा का लेके उसे आप देख रहे हैं कि अगर वो खाली तो नहीं है, काउंट करेंगे खाली तो नहीं है। खाली से मुराद ये कि डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, अगर डेटाबेस में डाटा नहीं पड़ा होगा तो वो मैसेज दे देगा एरर है, कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। अगर एरर नहीं है तो वो जो है वो डाटा निकाल के जो भी डाटा होगा वो आपको ये जो है बफर, जो है बफर में का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ उसमें से लाके कर्सर में से लाके इस बफर में अपेंड हम डालते जाएंगे, ठीक है। कर्सर जो है वो टेबल की एक एक रो को प्रेजेंट करता है और एक एक रो आके इसके अंदर जो है वो अपेंड होती जाएगी बफर में, और बफर में आने के बाद जो है वो हम उसको नीचे जो है वो शो करवाने के लिए शो मैसेज मैंने यूज किया है, वो शो मैसेज का मेथड उसमें हम बफर को पास करेंगे ये दिखाने के लिए, ठीक है। बफर में हमने पहले ऐड करना है और उसको शो करवाना है। इस मेथड को पहले देख लेते हैं शो मैसेज वाले को, ये देखिए शो मैसेज में जो है वो बफर से हमने लिया है डाटा और उसको शो करवाया। इसके साथ जो है वो हमें दो और जो है वो वेरिएबल को करवाना पड़ता है, मेथड्स को जो है ओवरराइड करवाना पड़ता है, एक ये वाला ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का और एक ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, जो ऑप्शन आपने आइटम सिलेक्ट किया उसका। बेशक आप इस पर काम करें या ना करें लेकिन ये दो मेथड्स जो हैं वो आपको लाजमी तौर पे ओवरराइड करवाने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, जब भी आपने ये जो है कर्स डाटा को शो करवाना है तो तब आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यू यूजर का बटन हो गया, ठीक है, इस पर मैंने काम कर लिया। अब जो नेक्स्ट है मेथड वो आसान ही है, बटन जो है उनमें से ये जो बटन है ऐड का बटन है, ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यूजर मैनेजमेंट पेज पर चला जाएगा। यूजर मैनेजमेंट पेज में सारा काम किया हुआ है, ऐड यूजर भी ऐड करें हम, ब्लॉक भी करें, अनब्लॉक भी करें, डिलीट अपडेट वगैरह जो भी करना है हम इस पेज पे करें। तो बटन पर ऐड पर क्लिक करेंगे तब भी ये काम होगा, ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तब भी उसी पेज पे नेविगेट कर, डिलीट पर क्लिक करेंगे तब भी वो एडमिन यूजर मैनेजमेंट के पेज पर नेविगेट होगा, ठीक है। एडमिन जो है अपडेट करना है तब भी आप उसी जो है पेज पे नेविगेट होंगे। इस पेज पे सारा काम किया हुआ, ठीक है। बटन अब अनब्लॉक सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसमें भी हम उसी पेज में नेविगेट हो रहे हैं। जबकि बटन लॉगआउट पे, जब हम लॉगआउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर हम लॉगआउट के पेज पर जाएंगे। लॉगआउट के पेज पे सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें मैंने बताया कि यूजर इज लॉग्ड आउट और अब उसे हमने दोबारा लॉगिन करना है तो बटन पर क्लिक करो, एक छोटा सा काम है। ये हम उस पेज पे जा रहे हैं, ये हमारा एडमिन पैनल का फर्स्ट पेज हो गया। अब एडमिन पैनल के मेन पेज के खाते जो कि हमारे से कंसर्न है, जी डियर यूजर्स, ये देखें ये यूजर मैनेजमेंट का मेन पेज है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं और रोज के अंदर ये भी टेबल डाटा है। टेबल लेआउट मैंने इसके पहले लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया वर्टिकल, ताकि डाटा सारा वर्टिकली अरेंज हो, उसके अंदर टेबल लेआउट इस्तेमाल किए। टेबल लेआउट में हर रो के अंदर जो है वो मैंने टू कॉलम्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये हम नेम ये सारे एडिटेक्स लगाए, इसके बाद ये बटन नीचे लगाए हैं, सेव का बटन है, अपडेट का बटन है, व्यू यूजर का बटन है, व्यू ऑल का है, डिलीट है, ब्लॉक है और अनब्लॉक है। जब आपने यूजर ने ब्लॉक डिलीट या अनब्लॉक करना है तो वहां पे यूजर का आईडी देंगे, ठीक है, आईडी देंगे। अपडेट करना है तब भी आप आईडी देंगे, डाटा आप यहाँ पे टाइप कर देंगे जो अभी होगा, आप उसे व्यू करके आप उसे चेंज करना चाहें आप चेंज कर देंगे तो सारा डाटा आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बैकएंड की तरफ आता हूँ, फ्रंट एंड तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया, लेकिन फ्रंट एंड में एक थोड़ी सी चेंजेस मैंने की है, क्योंकि मेरी लेआउट बहुत बड़ी थी तो मैंने उसको पहले स्क्रॉल व्यू के अंदर रखा हुआ, ठीक है। स्क्रॉल व्यू के अंदर ये भी हमारी लेआउट है, इसके अंदर जो है ना तमाम डाटा जो है वो हमारा स्क्रॉल हो सकता है, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा था इसलिए जो है वो मैंने उसको स्क्रॉल किया। अब आते हैं एडमिन मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। एडमिन मैनेजमेंट के पेज में जो है वो सबसे पहले मैंने एडिटेक्सेस बनाए हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फिर मैंने जो है वो यूजर टेबल की क्लास बनाई है, ठीक है।
बटन जो है वो मैं नीचे ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये टेबल को इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद जो है ये एडिट एक्सेस को इनिशियलाइज करवाया या एसोसिएट करवाया उनके वेज के साथ ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे ये जो बटन है वो यहीं पे जो है वो इनिशियलाइज करवा ली है और क्रिएट भी किए, डिक्लेयर भी किए और साथ ही मैंने उनको एसोसिएट भी कर दिया, ठीक है। ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन ये मेथड भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है ये सेव का बटन है, सेव का बटन जो है जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाटा को सेव करवाया था वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। सबसे पहले मैं एडिट टेक्स से वैल्यूज ले रहा हूँ, लेने के लिए गेट टेक्स का फंक्शन यूज होता है एडिट टेक्स से, और स्पिनर्स के लिए कौन सा यूज होता है, स्पिनर के लिए स्पिनर से जब वैल्यू लेनी हो तो फिर आप यूज करते हैं, यहाँ पे एडिट टेक्स ही यूज किया हुआ, स्पिनर नहीं यूज किया हुआ, तो आपको गेट टेक्स ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पिनर से लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको सिलेक्टेड आइटम्स करना पड़ेगा मेथड यूज, ठीक है। लेने के बाद मैंने जो है ये माई टेबल की क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे मैंने फंक्शन को कॉल किया, माई टेबल यूजर टेबल की क्लास का फंक्शन है जिसका नाम इंसर्ट डाटा है। इंसर्ट डाटा के अंदर मैंने उसे पैरामीटर पास किए, उसने डाटा इंसर्ट करने के बाद मुझे जवाब देना है इज इंसर्टेड बुलियन फॉर्म में, अगर ट्रू होगा तो डाटा इज इंसर्टेड, अदरवाइज डाटा इज नॉट इंसर्टेड। ये हमने काम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया था। अपडेट करना है तो आपका वही काम है, आपने पहले वैल्यूज लेनी है और फिर जो है जिसको आपने अपडेट करना है यहां पर ये क्यूरी लगेगी, ठीक है। इज अपडेटेड का वेरिएबल बनाया और माय टेबल जो है ऑब्जेक्ट है और यूजर की क्लास का, यूजर टेबल की क्लास का, और अपडेट का डाटा उसमें से पास किया, इसमें मैंने आईडी भी पास किया, उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो हमारा डाटा जो है वो अपडेट होना है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। अगर ट्रू होगा तो रिटर्न, ये मेथड जो है ट्रू रिटर्न करेगा तो डाटा इज अपडेटेड, अदरवाइज डाटा इज नॉट अपडेटेड, ठीक है। और उसके बाद डिलीट है, डिलीट में आपने आईडी ही पास करना है जस्ट फंक्शन में से, तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। देन जो है ब्लॉक का मेथड है, ब्लॉक का मेथड जो है हमने उसका स्टेटस ब्लॉक कर दिया, आपने जस्ट उसे आईडी पास करना है और स्टेटस पास करना है। ये मेथड जो है ये हमने यूजर टेबल के अंदर बनाया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं, यानी कि वो हमने क्लास यूजर टेबल की क्लास बनाई है उसको यहाँ पर यूटिलाइज करें जस्ट, ठीक है। आईडी पास किया और उसको स्टेटस पास किया, वो ब्लॉक कर देगा, और अगर जब हमने अनब्लॉक करना है आईडी पास कर देंगे और स्टेटस पास कर देंगे तो वो ओके हो जाएगा, ओके मीन अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है हम उसे बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर ये व्यू ऑल यूजर का मेथड है, व्यू ऑल यूजर का मेथड जो है वो हमें एक कर्सर रिटर्न करवाएगा, माय टेबल में से तमाम डाटा लेकर कर्सर रिटर्न करवाएगा, उससे जो डाटा आएगा वो हम बफर में डालेंगे और बफर को हम शो करवा देंगे शो मैसेज के जरिए, ठीक है। ये मेथड हमने पहले भी अभी देखा है, ये शो मैसेज है, शो मैसेज डाटा को बफर से ले आके फ्रंट एंड में शो करवाएगा और वो जो है वो हमें मेन्यू में नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने ये काम किया, उम्मीद करता हूँ ये मेरा एडमिन पैनल आपको समझ आ गया होगा और ये वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी, दोबारा बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताएं कि मैं कैसे किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं और आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को या टीचिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना कर सकता हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।